अगर आप कोई चीज़ को 4 या 5 रुपए में खरीद सकते हो तो आप उसके बाद उसके ऊपर 100 रुपए का खर्चा क्यों करोगे? हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहुजा और ये पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं एवरी 4th, 14th और 24th तारीख को, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी थोड़ी इस तरह जो मेरी है, मुंबई की हिंदी। और इन वीडियोज़ में मैं आपके साथ बात करता हूं कि आप कैसे अपने पैसे जमा कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा उन 5 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आपको इमीडिएट बेसिस पे अपने लिए और आपके ऊपर जितने भी लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और आपके चाहने वाले हैं उनके लिए आपको इंश्योरेंस जल्द से जल्द क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला और फंडामेंटल रीजन है, लेकिन यह रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भी है इंश्योरेंस लेने के लिए, वो है आपका पीस ऑफ माइंड। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कभी एक भी दिन डर के साथ ना जीना पड़े, क्या होगा मेरे घर वालों को, क्या होगा मेरे स्पाउस को, क्या होगा मेरे बच्चों को अगर मेरे लाइफ में ये हो जाए तो। मैं ये हो जाए इसके लिए नहीं कह रहा हूँ या वैसे इसके लिए कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। तो इमेजिन कीजिए अगर आपको किसी भी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। ये पीस ऑफ माइंड इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में इतना स्ट्रेस इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद अपने लाइफ में फर्स्ट हैंड किया है। मेरे पिताजी को बहुत सालों से सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से उनके 2 या 3 सर्जरीज भी हुए हैं। इन सर्जरीज के दौरान जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल बिल्स बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा वैल्यू के बनते हैं, और जब आपका कोई चाहने वाला हॉस्पिटल में हो तब आप बिल्स के बारे में सोचोगे या उनको बचाने के बारे में। ये जो सिचुएशन है, जो पीस ऑफ माइंड है, मैंने अपने आप जब एक्सपीरियंस किया है तब मुझे समझ में आया कि इंश्योरेंस की वैल्यू किसी के लाइफ में कितनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ या आपके चाहने वालों के साथ कुछ गलत हो, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप उनका अच्छे से ध्यान दे सको और उस सिचुएशन में पैसों के बारे में ना सोचो। इंश्योरेंस खरीदने का दूसरा कारण हमारे पहले कारण का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अगर इंश्योरेंस लेना आपको पीस ऑफ माइंड दिलाता है तो इंश्योरेंस ना लेना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप हमेशा सोचते रहोगे कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, और इसके कारण आपके ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत अलग होता है। आपके जो डिसीजंस लेते हो वो बहुत अलग होते हैं, आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इमोशनल डिसीजंस होते हैं, वो बहुत डर के लिए हुए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंश्योरेंस लेने के बाद में हर इंसान सुपरमैन बन जाता है, लेकिन इंश्योरेंस लेने के वजह से अगर आप थोड़ा भी अपना माइंड फ्रेम ठीक करके बिना स्ट्रेस के जी सको तो उसका फ़ायदा आपको आपके लाइफ में डायरेक्टली वैसे भी नज़र आएगा ही। तीसरा कारण जो है जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस जल्द से जल्द लेना चाहिए, वो है कि इंश्योरेंस बहुत ही किफ़ायती और फ़ायदेमंद रेट्स पे मिलता है। आप 4 रुपए दोगे तो आपको 20 या 30 या 40 या 100 रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपके एज, आपके डेमोग्राफिक, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, हर चीज़ के ऊपर आपके प्रीमियम के हिसाब से आपका इंश्योर्ड अमाउंट डिपेंड करता है। मैंने इंश्योरेंस के बारे में पहले भी वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि मैं जब भी नए वीडियोस बनाऊं तो आपको उसके बारे में इंटीमेशन आती रह सके, नोटिफिकेशन आती रह सके। 4th रीज़न जो है वो बहुत लॉजिकल रीज़न है, लेकिन अगर ये रीज़न नहीं भी होता तो भी मैं आपको इंसिस्ट करता कि आप जल्द से जल्द इंश्योरेंस लो। वो रीज़न ये है कि काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। अगर आप वैसे भी हाउस रेंट अलाउंस भरते हो या आपके कंपनी से आपको बहुत सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, या अगर आपके पास एक अच्छा CA है जो वैसे भी आपकी टैक्स प्लानिंग कर देता है, आपके ATC में सारे के सारे टैक्स बेनिफिट्स का आपने लाभ उठाया हुआ है, तो हो सकता है आपको इसका बेनिफिट ना भी मिले, लेकिन तो भी प्लीज़ जल्द से जल्द अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए इंश्योरेंस ले लीजिए। इंश्योरेंस लेने का सबसे कॉमिकल कारण, मैं कॉमिकल इसके लिए कहता हूँ क्योंकि जब भी मैं रीज़न के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से हंसी छूट ही जाती है, और मैं एक बिज़नेस फैमिली से आता हूँ तो अगर कोई भी चीज़ अगर मेरा फ़ायदा करेगी तो मुझे ऑटोमेटिकली उसके बारे में खुशी होगी ही होगी। तो ये 5वां कारण है, वो ये है अगर आप कोई चीज़ को 4 या 5 रुपए में खरीद सकते हो तो आप उसके बाद उसके ऊपर 100 रुपए का खर्चा क्यों करोगे?
सिमिलरली अगर आप 4 या 5 या 10 या 15 हज़ार रुपये देकर 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस खरीद सकते हो अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, और अगर कल को उनके लाइफ में कुछ हो भी जाता है तो आप 10 लाख रुपया खर्च ना करके 4 या 5 या 10 हज़ार से भी काम चला सकते हो. Isn't that the most logical thing to do? अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन है जो आप एक छोटा सा डिसीजन लेके बहुत बड़ा रिस्क बचा सकते हो, आप वो रिस्क क्यों नहीं बचाओगे, आप वो फाइनेंशियल डिसीजन क्यों नहीं लोगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस को लेने के बहुत फ़ायदे हैं, और इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये 5 रीज़न्स शेयर किए हैं, 5 कारण शेयर किए जो मुझे लगता है ये 5 कारण सुनने के बाद कोई भी इंसान जल्द से जल्द अपने लिए इंश्योरेंस ज़रूर खरीद लेगा. सो बस यही है पेचेक ब्रोस. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 कारण सुन के समझ में आ गया होगा कि आपको जल्द से जल्द इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए. तो बस आज के लिए इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए. कचिंग.